Co-powered by Techno. रूस की धरती पर युद्ध शिफ्ट करने की रणनीति दुनिया के लिए संकट बनने की तरफ बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के हथियारों से रूस पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू होने वाले हैं। अमेरिका भी 26 सितंबर को इस मामले पर अंतिम निर्णय ले सकता है। सैन्य हलचल बढ़ती देख रूस ने यूरोप और अमेरिका पर सरमत मिसाइल से हमले की धमकी जारी कर दी और आर्कटिक में न्यूक्लियर सबमरीन भी तैनात कर दी। रूस विनाश के लिए ही अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में समर्थन देना शुरू किया और उसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब रूसी धरती पर युद्ध लड़ा जाए। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के हमले इस रणनीति का पहला चरण है और अब अमेरिका सहित यूरोप रूस की धरती पर हमले को हरी झंडी देने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की सहमति दे दी है। यूरोपियन यूनियन में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, अब रूस पर हमले के लिए यूरोपीय देशों के हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। प्रस्ताव के समर्थन में 425 वोट पड़े। प्रस्ताव में कहा गया कि बिना प्रतिबंध हटाए यूक्रेन आत्मरक्षा नहीं कर सकता। ईयू ने 19 सितंबर को प्रस्ताव पारित कर दिया और अगले हफ्ते अमेरिका भी इस मामले पर फाइनल फैसला लेने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन दौरे पर जाने वाले हैं। 26 सितंबर को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति बाइडेन से होगी। इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की बाइडेन को यूक्रेन के विक्ट्री प्लान सौंपेंगे। इस मीटिंग में यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले की इजाजत मिल सकती है। ये दो बड़े घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि यूरोप में महासंग्राम की आशंका तेज हो गई है। ईयू का प्रस्ताव पारित होने के बाद रूसी द्यूमा के प्रमुख व्याचिस्लाव वोलोदिन ने सबसे विनाशक हमले की चेतावनी जारी कर दी है। रूसी द्यूमा के प्रमुख व्याचिस्लाव वोलोदिन ने कहा है कि रूस की धरती पर हमले करना सबसे बड़ी भूल होगी। इसके परिणाम में सरमत मिसाइल 3 मिनट 20 सेकंड में फ्रांस पहुंच सकती है। सरमत मिसाइल रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये धरती के किसी भी हिस्से पर 10 परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल से हमले का मतलब पूरे शहर का भस्म हो जाना है और रूस ने इसके प्रयोग की धमकी भी दे दी है। रूस ने यूरोप के देशों की दो तरफ से घेराबंदी कर दी है। रूस की धरती पर साइलों में सरमत मिसाइल लोड कर दी गई है और आर्कटिक में रूस की परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन गश्त लगा रही है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उसकी धरती पर यूरोप या अमेरिकी हथियारों से हमले हुए तो पूरे यूरोप पर ऐसी मिसाइलों की बरसात होगी जिन्हें नेटो के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएंगे। आर्कटिक महासागर में नॉर्डिक देशों और अमेरिका की नेवी ड्रिल के बाद रूस चौकन्ना है, इसीलिए आर्कटिक में न्यूक्लियर हथियारों सहित सबमरीन तैनात कर दी गई है। 25th सबमरीन डिवीजन की दो सबमरीन रूस के आर्कटिक बेस पर तैनात है। यूक्रेन को अगर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिली और रूसी धरती पर विनाश शुरू हुआ तो यूरोप महासंग्राम की आशंका बढ़ जाएगी
जो परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Co-powered by Techno.